रियल ब्रदर, हाँ रियल ब्रदर, और उनका कांग्रेस कनेक्शन हाँ, आपकी राजनीति में कैसे असर डालता है? अपनी जब आइडियोलॉजी शिफ्ट करते हैं तो ऐसा वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि हमें बुराइयां बहुत बड़ी लगने लगती हैं कि जिन लोगों ने राजनीति में अपने पांव एक बार जमा लिए वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे हाथ से अब ये ना छूटे। क्या आप इसे डेमोक्रेसी की कमी मानते हैं? आप पर आरोप लगता है, आपकी सरकार पर आरोप लगता है कि आप तानाशाही करके इस फ्लड को रोकना चाहते हैं, क्या है सर ये? एक तरफ तो डराने वाली बात चलती है और एक तरफ आपके खिलाफ हर आदमी बोलता हुआ खुले में पाया जाए। कंगना रनौत के बयान को उन्हें बोलने से रोका जा रहा है ऐसा मीडिया कवरेज में है, उनकी फिल्म के ऊपर सेंसर बोर्ड ने परमिशन देने से मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, सरकार की ड्यूटी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराए, फिर भी सरकार पर इस बात का प्रेशर क्यों आता है कि सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है? लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं सर कि देश में जो अपोजिशन है और अपोजिशन में जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स वाले हैं? उस सब कैटेगराइजेशन को ये मान कर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और केंद्र सरकार इसे लागू कराना चाहती है बिकॉज केंद्र सरकार की मंशा है कि आगे चलकर एससी एसटी को यूनाइट ना रहने दिया जाए। मैं तो अगेन यही कहता हूँ सर कि लोकतंत्र संकट में है, इसके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सोचना सबको है। तो सर आपको कमज़ोर तानाशाही मुबारक हो, आपके नज़रिए से क्या है ये? ऐसे में पहले जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल, फैसले दे देते हैं तो न्यायपालिका पर सवाल, सर आपने मीडिया को तो खरीद लिया, सर ये नाइंसाफी नहीं है। मणिपुर के मामले में भी अक्सर अपोजिशन ये लाइन उठाता है कि जब पश्चिम बंगाल का मामला होता है तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मणिपुर के मामले में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? इनफ इज इनफ, फटाफट बताते जाइएगा कि आपको कौन सा चैनल पसंद है, मीडिया में इतनी जगह आप जाते हैं कौन से एंकर के साथ आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, सरकार से सवाल पूछते कौन से पत्रकार आपको यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पसंद है, उन्हें 1-2-3 में कर सकते हैं।